हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, स्लो मो और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। यदि आप टिकटॉक ओपन करेंगे तो आपको टिकटॉक में 70 से 80% वीडियो आपको स्लो मो और ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप अपने वीडियो में स्लो मोशन और ट्रांजेक्शन इफेक्ट और ट्रांजेक्शन साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं और इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 से 3 वीडियो शूट कर लेना है 4 से 5 सेकंड तक। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आउटडोर वीडियो शूट कर लेना है और वीडियो आपको अलग अलग एंगल में शूट करना है। जब आप वीडियो शूट कर लेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक और काइंड मास्टर एप्लीकेशन का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेनुइन कंटेंट मिलता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइंड मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद वीडियो को आपको 1 से 2 बार प्ले कर कर देखना है आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम रिमूव कर देंगे, तो ट्रिम टूल लेफ्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया और सेकेंड पार्ट का वीडियो मेरा कुछ इस तरह से शूट किया गया। तो मैंने दोनों पार्ट का वीडियो सेम इसी में शूट कर लिया हूँ। लास्ट पॉइंट पे आना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और स्पीड कंट्रोल पे आना है और इसे आपको 0.5 से पहले एक डॉट दिख रहा है, आपको डॉट को सामने सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद इसे डन करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाया गया। हमारा वीडियो यहाँ पे स्लो मो में हो चुका है। तो सबसे पहले अपने वीडियो को स्लो मो में कर लेना है। स्लो मो में हो जाने के बाद शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी के आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है और फाइनली वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करेंगे और इस लेयर को आपको कुछ इस तरह से 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है वीडियो के अकॉर्डिंग। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आ जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो हमारा जो होता है स्लो हो जाता है तो अब हमारा साउंड स्लो नहीं होगा। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमें ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। क्रोमा की पे इनेबल करना है आपको, सिंपल इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद सही से एडजस्ट आपको कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और हमारा जो क्रोमा ग्रीन स्क्रीन था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस पार्ट को आपको वहीं तक लेकर आना है जहाँ तक आपका ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर मेरा खत्म हो रहा है, यहीं तक का पार्ट चाहिए। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको सबसे पहले फुल स्क्रीन में कर देना है। इसे वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो तैयार हो चुका है। इसके बाद सेकेंड वीडियो का लास्ट में आना है हमें और हमारा यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर स्टार्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमें आना है। इसके बाद सेकेंड वीडियो में आपको देखना हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो सेकेंड जो था इसी में शूट किया हुआ था और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद इसमें करना क्या है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद जहाँ से हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है 10.3 या 10.2 के आसपास इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है और इसे आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे
और आपको यदि कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कलर फिल्टर भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह से कलर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, तो मैंने कलर चेंज कर दिया हूँ। तो फर्स्ट वाले वीडियो को भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सिंपल कलर के फिल्टर पे आने हैं और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तब हमारा वीडियो फाइनली तैयार हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।